हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन कटिंग स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए कटिंग स्टिचिंग शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने बैक का पल्ला लिया है, लाइनिंग हमने अंदर से अटैच किया हुआ है। अब यहाँ से हमें नेक की लंबाई देखनी है, तो आपको जिस साइज का पहनना है आप रख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे 10 इंचेज चाहिए, तो यहाँ से हम 10 इंच पर मार्क लगा रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद यहाँ से हमें लेना है 2 इंच, उसके बाद यहाँ से लेना है हमें 2.5 इंच, ये। उसके बाद यहाँ से हमें इससे इसको मिलाना है, ये। अब इस बॉक्स के अंदर हमें डिज़ाइन बनाना है, तो जो भी डिज़ाइनिंग आपको बनाना हो इसी बॉक्स के अंदर बनाना है। तो ऊपर से हम बोट शेप देंगे, तो बोट शेप यहाँ से हमें लेना है 4 इंच पे, एक बॉक्स ऐसे बना देना है, ऐसे 4 इंच पे। अब यहाँ से ये वाला शेप देंगे, इस तरीके से यही डिज़ाइनिंग हमें बनानी है। अब करते हैं कटिंग। तो पहले ऊपर वाला बोट की कटिंग कर लेते हैं। ये ऊपर वाला हमने बोट की कटिंग किया। उसके बाद अब यहाँ से ये देखिए, इस तरीके से हमने इसकी कटिंग किया। अब इसकी पट्टी हमें कटिंग करनी है, अस्तर वाले कपड़े से निकाला हुआ है पट्टी, इसी से निकाल देंगे ऐसे, ये। तो यहाँ हमने पट्टी कटिंग कर लिया। अब इसके ऊपर डालते हुए पहले हम अटैच करेंगे, कैसे करते हैं वो देखिए। इसको पट्टी अटैच करने के बाद इसमें हम डिज़ाइनिंग यहाँ पे फ्लावर बना के लगाएंगे। तो पहले हमें पट्टी को अटैच करना है, तो यहाँ से पहले हम सही तरीके से इसको मिला देंगे, ये। अब हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई लगाते हैं। फिर इधर से दूसरी तरफ घुमाएंगे ऐसे, फिर इधर सिलाई लगाएंगे, फिर इधर से घुमाएंगे,
यहाँ पे हमने पूरे को हाफ हाफ पकड़ते हुए सिलाई लगा दिया है। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। फ्रेंड्स पूरे में हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। अब इसको हमें पलट लेना है पीछे के साइड, तो वो पलट देते हैं। ये कॉर्नर पहले बनाएंगे अच्छे तरीके से, तो ये हमने ऐसे बना देना है। ये देखिए इसी तरीके से सब साइड से बनाना है। तो यहाँ पे हमने प्रेस कर लिया है इसको और एक एक सिलाई भी इस पर लगा दिया। अब लगाएंगे इस पर लेस। तो जिस कलर की आपकी साड़ी हो उस कलर की आप इस पर लेस डालें। तो यहाँ पे हमने ब्लू कलर की लेस लिया है क्योंकि ब्लू कलर की साड़ी है। तो यहाँ से हम लेस अटैच करेंगे बिल्कुल किनारे किनारे। हमने किनारे किनारे लगा दिया है। अब हमें यहाँ पे एक फ्लावर बना के लगाना है। फ्रेंड्स हमने लेस लगा के अच्छे से इसको भी प्रेस कर दिया है। अब हम फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है। ये 4 इंच इधर से है, 4 इंच इधर से है, 4x4 का ये फैब्रिक हमने लिया है। इसको हमें कैसे फ्लावर बनाना है वो देखिए, हमें इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है। करने के बाद अब हमें इसे किनारे से सुई में हमने जो धागा डाला हुआ है उसको ऐसे ऐसे पहले हमें ये देखिए ऐसे हमने ले लिया है। हमने इसको बना दिया टाक लगा कर, यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया। इसी तरीके से हमें 5 से 6 बनाना है। सारे एक साथ बना के इसको हमने सुई से इकट्ठा भी ऐसे कर लिया है, ये फ्लावर इस टाइप का। अब यहाँ पे हमें बीच में 100 बटन लगाना है। तो 100 बटन कैसे लगाएंगे ये देखिए। तो यहाँ पे हमने एक 100 बटन लिया है इस टाइप से नग वाले, बहुत ही प्यारा ये डिजाइनिंग बनता है। इसको अच्छे से इसमें हम टाक लगा देंगे, ये देखिए इस तरीके से 2-3 बार टाक देंगे। फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमने ये 100 बटन को भी बना लिया है, इसको इसमें ऐसे लगा दिया। अब यहाँ पे हमने एक पट्टी लेना है, इस पट्टी को हमें इसमें अटैच करना है। पहले ऐसे सिलाई लगा देते हैं। अभी इसको हमने इसके ऊपर, इसको हमने इसके ऊपर डालना है और सिलाई लगा देना है। हमने एक साइड दोनों पट्टी लगा दिया, दोनों साइड हमने सिलाई लगा दी। हम यहाँ पे फ्लावर अटैच करेंगे। पट्टिया के ऊपर हमने इसको डाल देना है, ये बीचों बीच सेंटर करके। तो यहाँ पे हमने डाल लिया। अब इसमें हम सिलाई लगा लेंगे अंदर की तरफ से और इसको टाँक देंगे ऐसे, ये देखिए इस तरीके से 4-5 हमें टाँक लगाना है। तरीके से 4-5 बार सिलाई को लगा देना है। अब जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए कट हमने कर लिया है, ये फ्लावर हो गई अटैच। ये बहुत ही ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइन है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये फाइनल लुक। और फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बिना किसी झंझट के आप ये लेस नेक डिजाइन बना सकते हैं। लेस के साथ हमने, ये ब्लू कलर की साड़ी है इसलिए हमने ब्लू कलर का ही लेस लगाया है। तो फ्रेंड्स ये नेक डिजाइन पसंद आई हो तो करना है इस वीडियो को लाइक। चैनल पे पहली बार आए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। कुछ पूछना है तो नीचे कीजिएगा कमेंट। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये सिंपल में ही। ये आपको 6 बनाना है, 6 से आपकी फ्लावर गोल शेप में अच्छी बनेगी। और उसके बाद आपको 1 से 1.5 मीटर लेस ले लेना है लगाने के लिए। अगर नीचे लगाना चाहते हैं तो नीचे भी लेस लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका 1 लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।